बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े का और बहुत ही हेल्दी डाइट ऑमलेट की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ये एक मज़ेदार से ऑमलेट की रेसिपी जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऑमलेट की ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करने के लिए मैंने एक बाउल में दो अंडे लिए हैं, और उसमें मैंने एक कटी हुई हरी मिर्च, एक टेबलस्पून कटे हुए प्याज, एक टेबलस्पून कटे हुए टमाटर, दो से तीन टेबलस्पून मैंने कटी हुई पालक ऐड की है। आप यहाँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी सब्ज़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या अपने लिहाज से कोई भी सब्ज़ी जो आपको ज़्यादा पसंद है उसको इसमें शामिल कर सकते हैं। आप मेरी इस सुपर डुपर हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, और इसका फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर जो है वो ऐड करके इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैंने एक पैन में बटर को जो है वो गरम कर लिया है। आप यहाँ पर ऑयल या बटर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें एग का मिक्सचर जो है वो ऐड कर दिया है, और उसे तकरीबन मीडियम टू लो हीट पे ना मैंने इसको 30 सेकेंड्स के लिए कुक किया है। फिर मैंने इसकी साइड चेंज कर दिया, और दूसरी साइड से भी सेम मैंने 30 से 40 सेकेंड तक के लिए जो है वो कुक किया है, और एक मज़ेदार सा ऑमलेट जो है वो रेडी है। इंशाल्लाह मैं इस तरह की आपके साथ जो है वो डिफरेंट, बहुत कम बजट में और बहुत कम टाइम में बनने वाली रेसिपीज़ जो है वो शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।